नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। पेश है हमारी खास पेशकश फिल्मोलॉजी। यामी गौतम जल्द मम्मी बनने वाली है, लेकिन मम्मी बनने से पहले उनकी फिल्म आर्टिकल 370 रिलीज हो गई है। फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर देखने के बाद से ही फैन इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। तो फैंस का इंतजार खत्म हो गया। फिल्म आर्टिकल 370 शुक्रवार यानी 23 फरवरी को रिलीज हो चुकी है। फिल्म में कश्मीर मुद्दे और वहां के हालात को दिखाया गया है। जब कश्मीर शब्द कभी भी कहीं भी कानों में पड़ता है तो खुद ब खुद वहां के हालात जहन के सामने आ जाते हैं। कश्मीर का इतिहास आज़ादी के बाद से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहा है और इस राज्य ने काफ़ी कुछ झेला है। इस फिल्म को कश्मीरी मुद्दे की टाइमलाइन कहा जा सकता है, क्योंकि फिल्म में इस मुद्दे में कब क्या हुआ हर छोटे बड़े इंसिडेंट को शामिल करने की कोशिश की गई है। इस वजह से फिल्म की लेंथ भी काफ़ी लंबी हो गई है। फिल्म को दिखाने में मेकर्स कितना सफल हुए हैं आइए जानते हैं। फिल्म की कहानी की बात करें तो इसे पूरी तरह से कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने की जद्दोजहद पर बनाया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे सरकार को इस धारा को हटाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, अलगाववादियों और उग्रवादियों से सरकार को कितना संघर्ष करना पड़ा और कैसे मामला कानूनी दांवपेच में जाकर फंस भी गया और कैसे फिर इसे एक्शन में लाया गया, किस तरह से विरोधियों का सामना सरकार को करना पड़ा, ये सभी चीज़ें बड़ी तसल्ली बख्श तरीके से फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म को अलग अलग फेसेस में डिवाइड किया गया है और उसे एक क्रोनोलॉजिकल वे में पेश किया गया है। फिल्म में स्टार की एक्टिंग की बात करें तो इसमें सिर्फ दो किरदार को ही ज़्यादा लेंथ मिली है, यामी गौतम और प्रिया मणि। दोनों एक्ट्रेस ने अपना काम बखूबी किया है। इसके अलावा राजजुत्सी, राज अर्जुन, किरण करमरकर और अरुण गोविल जैसे मंजे हुए कलाकार इस फिल्म का हिस्सा हैं। यामी गौतम की इस फिल्म में एक्शन और इमोशन को बैलेंस के साथ फैंस देखने वाले हैं। फिल्म आर्टिकल 370 का निर्देशन आदित्य जामभले ने किया है। फिल्म में यामी एक्शन अवतार में नजर आएंगी। आर्टिकल 370 को बॉक्स ऑफिस पर विद्युत जामवाल की फिल्म क्रैक और शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से कड़ी टक्कर मिलेगी। 23 फरवरी को नेशनल सिनेमा डे के कारण सभी फिल्मों के टिकट्स 99 रुपये में बिकेंगे। इसका फ़ायदा आर्टिकल 370 को मिल सकता है। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। Facebook के जरिए हमसे जुड़े पेज को लाइक और फॉलो करें। Instagram और Twitter पे भी हमारे अकाउंट को फॉलो करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।